हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एम ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इससे पहले आज की वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपके चैनल पर ट्रेन जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और इंडियन रेलवे जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और ट्रेन से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहते हम इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर पूछ सकते हो। दोस्तों, आप मेरे ट्विटर पर भी फॉलो कर लें, इनके अलावा मेरा और एक चैनल है इंडियन ब्लॉगर एम कुमार, जिन पर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, आप चाहते उन्हें विजिट कर सकते हो, लिंक नीचे है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 04038 और ट्रेन नंबर 04037 और दोस्तों ट्रेन नंबर 04032 और ट्रेन नंबर 04031 COVID-19 स्पेशल सिलचर नई दिल्ली, नई दिल्ली सिलचर और गुवाहाटी नई दिल्ली और नई दिल्ली गुवाहाटी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की। जी हाँ दोस्तों, जो कि ये ट्रेन दोस्तों पिछले लॉकडाउन में जिन्हें बंद कर दी गई थी, पर ये दोस्तों अब ये ट्रेन दोस्तों आज से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, मैं इस ट्रेन की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि सिलचर से नई दिल्ली के लिए कौन से दिन चलती है, फिर गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए कौन से दिन चलती है, कितना किराया है सिलचर से नई दिल्ली के बीच, फिर गुवाहाटी से नई दिल्ली के बीच, मैं सारी जानकारी इस ट्रेन की आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर से जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही कोई ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आती है या कोई अपडेट आती है दोस्तों, तो मैं उसे इंस्टाग्राम पर जरूर पोस्ट करता हूँ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलचर नई दिल्ली, नई दिल्ली सिलचर की। तो दोस्तों, नई दिल्ली सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जो कि दोस्तों 22 तारीख से यानी कि दोस्तों आज से नई दिल्ली से सिलचर के बीच एवरी थर्सडे को नई दिल्ली से सिलचर के लिए, फिर दोस्तों सिलचर से नई दिल्ली के लिए एवरी सोमवार को 26 तारीख से चलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नई दिल्ली सिलचर संपर्क क्रांति की। दोस्तों, नई दिल्ली सिलचर संपर्क क्रांति जो कि 22 तारीख यानी कि दोस्तों आज से नई दिल्ली से सिलचर के बीच एवरी थर्सडे को नई दिल्ली से 23:45 प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 19:35 पर सिलचर पहुँच जाएगी। बात करें इसके रूट की, दोस्तों ये ट्रेन वाया कानपुर सेंट्रल, दीनदयाल उपाध्याय, पाटलिपुत्र, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोगागांव, गुवाहाटी, लामडिंग और बदरपुर जंक्शन होते हुए सिलचर पहुंचेगी। और दोस्तों नई दिल्ली से सिलचर के बीच इस ट्रेन के कुल 12 स्टॉप है। बात करें इस ट्रेन की, दोस्तों ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करेगी 2307 किलोमीटर की दूरी 43:50 में तय करेगी विथ एवरेज स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रेन में कोचेस की। तो इस ट्रेन में आपको 5 प्रकार की कोचेस मिलेंगी दोस्तों, सेकंड सीटिंग, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी। बात करें फेयर की, तो सेकंड सीटिंग में पर पर्सन 505 रुपये, स्लीपर क्लास पर पर्सन 815 रुपये और थर्ड एसी पर पर्सन 2145 रुपये और सेकेंड एसी पर पर्सन 3135 रुपये और फर्स्ट एसी पर पर्सन 5335 रुपये। फिर दोस्तों वापसी में ये ट्रेन सिलचर से नई दिल्ली के लिए 26 तारीख से एवरी मंडे को सिलचर से 18:50 पर प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 12:35 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस ट्रेन की कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुवाहाटी से नई दिल्ली और नई दिल्ली से गुवाहाटी संपर्क क्रांति की। तो दोस्तों नई दिल्ली गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जो कि दोस्तों कोरोना से पहले ये भी बंद थी, तो दोस्तों अब ये फिर से शुरू हो चुकी है, अब ये होने वाली है जिनकी अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों नई दिल्ली से गुवाहाटी के लिए पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति 25 तारीख से बुधवार और रविवार को दोस्तों नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी। बुधवार और रविवार को नई दिल्ली से रात के 23:45 पर प्रस्थान करेगी और फिर तीसरे दिन 8:20 पर दोस्तों गुवाहाटी पहुंच जाएगी। बात करें इसके रूट की, तो दोस्तों ये ट्रेन वाया कानपुर सेंट्रल, दीनदयाल उपाध्याय, पाटलिपुत्र, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू बोगागांव होते हुए गुवाहाटी पहुंचेगी। और दोस्तों गुवाहाटी से नई दिल्ली के बीच, अभी नई दिल्ली से गुवाहाटी के बीच इस ट्रेन की कुल 9 स्टॉप है। अब बात करते हैं दोस्तों इस ट्रेन की, तो दोस्तों ये ट्रेन कुल डिस्टेंस कवर करेगी 1901 किलोमीटर की दूरी 30:20 में तय करेगी विथ एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं इस ट्रेन में कोचेस की,
दोस्तों इस ट्रेन में आपको पांच प्रकार की कोचेस मिलेंगी, सेकंड सीटिंग स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी। बात करें फेयर की तो सेकंड सीटिंग में पर पर्सन 475 रुपये, स्लीपर क्लास पर पर्सन 780 रुपये, थर्ड एसी पर पर्सन 2035 रुपये, सेकंड एसी पर पर्सन 2935 रुपये और फर्स्ट एसी पर पर्सन 5005 रुपये। फिर दोस्तों वापसी में ये ट्रेन 28 तारीख से गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए एवरी वेडनेसडे और एवरी सैटरडे को गुवाहाटी से सुबह 6:15 प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन 12:35 पे नई दिल्ली पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस ट्रेन की कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई राय हो इस विषय में तो आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और इंडियन रेलवे से जुड़ी अपडेट और ट्रेन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।